हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉय एंजॉय। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू सबसे पहले। और आज जो है इस ब्लॉग में मैं होली का दिन का और उससे पहले वाला जो दिन था होली प्रिपरेशन उसका वीडियो शेयर की हूँ दोनों साथ में। तो प्रिपरेशन के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं किए थे, जो भी किए थे थोड़ा सा मिठाई जो है बना लिए थे। तो मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे जो गिट्स का गुलाब जामुन पैकेट रहता है उससे मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो ये 500 ग्राम का जो पैकेट है तो इसका जो आधा है उसको मैं बनाऊँगी। तो और इसमें जो गुलाब जामुन बनाते हैं बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा मिल्क और डालडा जो रहता है घी उसी को चाहिए। तो ये न्यू पैकेट है तो मैं इसको खोल रही हूँ अभी। और मैं और जैसी के मम्मी दोनों मिल के जो है गुलाब जामुन बना रहे हैं। तो जैसी के मम्मी चाशनी बना रहे हैं। तो ये 500 ग्राम का है तो मैं इसका आधा बनाऊंगी। तो एक ग्लास में 1.5 ग्लास चीनी और 1 ग्लास पानी देके वो चाशनी बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं। और इधर जो है मैं गिट्स का जो ये पाउडर है इसको मैं मिल्क के साथ गूंदूंगी। तो जल्दी ही हमारा जो है गुलाब जामुन साथ साथ बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और होली प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाए हैं, ओनली ये गुलाब जामुन ही बना रहे हैं। और तो इसको गूंदने के लिए ये मिल्क थोड़ा सा और डालना चाहिए। और इधर चाशनी जो है बन रहा है और इसमें थोड़ा सा इलायची जो है उसको कूट के डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा इसका जो स्मेल है आता है। तो डालना ज़्यादा नहीं, ये 250 ग्राम का है। इसमें मैं 2 चम्मच जो है डालडा मिक्स की हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डाल रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि इसमें कितना मिल्क डालना है। एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ही डालना है और बाद में चेक करना है कि ये छोटा छोटा गोला जैसा बन रहा है कि नहीं। जब ये बन जाए तो ये हो गया। तो ये मेरा गोंद रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से छोटा छोटा गोला बन रहा है। और थोड़ा सा हाथ में घी लगा के इस तरीके से राउंड राउंड शेप में आप लोग बना सकते हैं। और दूसरे तरफ जो चाशनी है वो मेरा रेडी हो चुका है। तो मैं गैस में कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के गर्म होने के लिए छोड़ दी हूँ ताकि जब तक इसको बनाने में तुरंत बनाना चाहिए नहीं तो ये सूख जाता है। तो आधा को मैं पहले छोटा छोटा गोला बना के उसको ऑयल में छोड़ दे रही हूँ ताकि वो फ्राई हो जाए। और जब तक ये फ्राई हो जाए मैं नेक्स्ट और एक बार बना लूँ। तो इधर जो ऐसी भी आ गई है उसकी मम्मी के साथ। तो इसका कलर कुछ इस तरीके का होगा तब जाके आप गरम गरम चाशनी में उसको डाल देंगे। तो मेरा सारा जो गुलाब जामुन है बन गया और जो चाशनी है थोड़ा सा कम हो गया। तो मैं पहले जो डाली थी गुलाब जामुन उसको निकाल रही हूँ, उसके बाद अभी जो बनाई थी उसको डाल दूँगी, बाद में दोनों को एक साथ मिक्स करके रख दूँगी। तो ये मेरा रेडी हो चुका है गुलाब जामुन। और बहुत ही अच्छा बना था। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है।
और बनते ही ये रात में जोयसी पनीर मटर पनीर खा रही है रोटी के साथ, और गुलाब जामुन भी अभी मांग रही है। और इधर जो है जॉय बैठा है, तो जोयसी को देख के जॉय को भी खाने का मन कर गया, तो भी मांग रहा है। हो गया, ऐसे कट होता है, ऐसे कट होता है, हो गया हो गया। उसके बाद तो होली के लिए हम लोग ये कुछ सामान खरीदे थे, क्योंकि घर में दो बच्चे हैं और अब तो हम लोग खुद होली खेलना इतना पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे लोग जो होते हैं उनको होली दिवाली जो भी हो गया बहुत ही पसंद आता है। तो ये दो हैट और दो मास्क लाए हैं, और ये तीन कलर और दो पिचकारी लाए हैं, और ये एक छोटा सा और एक तो पिचकारी और एक कलर पानी में घोलने वाला। ज़्यादा कुछ नहीं लाए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए इतना काफ़ी है। बाहर जाओ, बाहर खेलना, चीक में लगाते हैं। हाँ हाँ, वो बाद में धोएंगे। जय का हैंड कैसे हो गया? आओ ठीक है, नहीं लगे नहीं लगा जाएगा, बाहर जाएंगे वो लोग उनके साथ। नहीं फेंको मत। हो गया, जाओ और पास जाओ। टपन में मार दिया, कुछ नहीं सूख जाएगा, जाओ जो है मार के आओ। तो देखिए दोनों कैसे होली बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और साइड में हमारे घर में, हमारे घर के साइड में बच्चे जो रहते हैं छोटे छोटे उनके साथ खेल रहे हैं। हो गया हो गया, जा यस को मार के आप। अंदर अंदर नहीं, बाहर बाहर। तो सुबह से ये दोनों ही ऐसे चल रहा है, दोनों का खत्म ही नहीं हो रहा है। 10 बजे से लगे हैं, अभी 12 बज गया, ये लोग ऐसे दौड़ दौड़ के खेल रहे हैं, इधर उधर मार रहे हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं दोनों, बहुत ही खुश हैं, और बच्चों को देख के ही हम लोग खुश हो जाते हैं। आप लोग देख ही चुके होंगे वीडियो में ये दोनों कितना खुश हैं, और हैट लगा के और पिचकारी पकड़ के दोनों खेल रहे हैं। और ये सब लोग जो है हमारे कॉलोनी के अभी बाहर आए हैं सब खेलने के लिए। और ये हमारे घर के और एक ठो नज़दीक में रहते हैं पड़ोसी, ये लोग हैं। तो सारे लोग को बहुत अच्छे से जो है होली एंजॉय किए हैं, और ओवरऑल हम लोग का इस बार का होली जो है काफ़ी अच्छा गया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका होली कैसे गया,
वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।